सनसनी। मदरसे के मौलाना का गंदा खेल। मौलाना के चंगुल में 36 बेबस बच्चे। मौलाना के महापाप का खुलासा। एक नहीं, दो नहीं, वो 36 बेबस बच्चे थे। पुणे में रहीम नाम के एक मौलाना ने इन 36 बच्चों को अपने मदरसे में कैद करके रखा था। लेकिन एक गैर सरकारी संस्था की सूचना पर जब मदरसे में दो बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया मौलाना। तरह से इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि उनके साथ में लैंगिक अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार के बाद में वो पुलिस स्टेशन उन्होंने अप्रोच किया। मदरसे में 35 लड़के हैं, 35 बच्चे हैं, उनको हमने रेस्क्यू किया है। एक जो एक्यूज है वो अभी कब्जे में है। मदरसे से छुड़ाए गए बच्चों को अनाथ बताकर रखा गया था। रहीम नाम के आरोपी मौलाना से पता चला है कि सारे बच्चे बिहार से लाए गए थे। 36 बच्चे हैं ओवरऑल, पर 36 बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि दे ऑल आर फ्रॉम बिहार। दो तीन बच्चे हैं जो यहाँ के हैं। अनाथालय है बट अनाथालय में अनाथ बच्चे नहीं है, सबके पेरेंट्स हैं, सिर्फ 4-5 बच्चों के फादर नहीं है या मदर नहीं है। पुलिस अब ये छानबीन कर रही है कि आरोपी मौलाना ने और कितने बच्चों का यौन शोषण किया है और इस गुनाह में और कितने लोग शामिल थे। सनसनी।